फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य पूजा बंसल से 25 लाख रुपए ठग लिए गए। यह भारी भरकम रकम उनसे भाजपा व संघ में महत्वपूर्ण पद दिलाने के साथ ही पति को कई मोटे काम दिलाने के नाम पर ली गई। जिस व्यक्ति ने यह ठगी की है, पूजा बंसल का कहना है कि भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी व पुलिस अफसरों को भी वह चूना लगा चुका है। पुलिस ने उसके घर दबिश दी, लेकिन आरोपी नहीं मिला। अलबत्ता पुलिस को उसके घर से भू संपत्ति की कई रजिस्ट्री अवश्य मिली। पूजा बंसल ने जिस तरह 25 लाख रुपए लालच में आकर दिए हैं, उसने यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या भाजपा व संघ में महत्वपूर्ण पद पाने के लिए पैसा चलता है? जाहिर तौर पर इसका जवाब पूजा बंसल व पार्टी संघ की तरफ से ना ही होगा, लेकिन यदि जवाब ना है तो फिर पूजा बंसल ने इतनी मोटी रकम क्यों दे दी? वह भी तब जबकि भाजपा व संघ के कई बड़े नेताओं से उनके सीधे संपर्क हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। 25 लाख रुपए की ठगी का शिकार पूजा बंसल ने SP कानपुर आउटर से इस आशय की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने संछेटी थाना इलाके में आरोपी के घर दबिश दी। इसके बाद भाजपा नेता ने पहले कानपुर और फिर आज मेरठ पहुंचकर मीडिया से बात की। पूजा बंसल ने बताया कि उनकी मुलाकात ग्राम इटारा थाना सचैंडी निवासी आरोपी से भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में हुई थी। उसने स्वयं को संघ का बड़ा पदाधिकारी बताते हुए कहा था कि वह उन्हें भाजपा में उच्च पद या दर्जा प्राप्त मंत्री बनवा देगा। मंदिर निर्माण में चंदे की बात भी उसने की। आरोपी का प्रभाव और आभा मंडल इसलिए भी बड़ा उन्हें नजर आया क्योंकि मेरठ के एक DM को उसके पैर छूते उन्होंने देखा था। फर्स्ट बाइट ने आज भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूजा बंसल से सीधे बात की। आइए देखते हैं। भैया, मैं पूजा बंसल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। एक व्यक्ति है ये आशीष मानस नाम करके, ये बहनों को बरगलाता है, अपना नाम आशीष मानस बताता है और इसका नाम, ओरिजिनल नाम जो है इसका, विष्णु बाबू दिवाकर है। ये राष्ट्रीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे बहनों से ठगी करता है। उन पदोन्नति के नाम पे, सरकारी नौकरी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, पार्टी फंड के नाम पे अपने आप को वरिष्ठ प्रचारक बताता है और संगठन में बताता है कि दायित्व है इस पे कुछ, और बहनों से झूठ बोलता है। मेरे से भी 25 लाख रुपए गए हैं पदोन्नति के नाम पे और कुछ बिजनेस, जैसे हम, मेरे पति बिजनेसमैन है तो किसी बिजनेस के नाम पे पैसे गए थे कि भाई किसी चीज़ का अथॉरिटी, जैसे स्टील अथॉरिटी वगैरह में कोई टेंडर मिलते हैं उस नाम पे, और पैसे तो गए थे लेकिन पिछले 4-5 महीने से ही मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। माननीय हमारे संगठन मंत्री जी हैं, उनसे भी मेरी कल वार्ता हुई थी तो भाई साहब ने मुझे बताया कि ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, इसे मैंने लोकसभा चुनाव में जेल भी भेजा है। बहन जी, आप इसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर दीजिए, पूरी सपोर्ट हमारी रहेगी आपको। मैं इसको राष्ट्रीय कार्यालय में मिली थी दिल्ली 2019 में, मैं भी चुनाव में गई हुई थी 2019 में, तो ये मुझे राष्ट्रीय कार्यालय में मिली थी। क्यों दिए थे 25 लाख रुपए उन्होंने? क्या पदोन्नति के हिसाब से मैंने भी पैसे दिए थे, जैसे और बहनें संपर्क में आई हैं, प्रभाव में आयोग वगैरह के लिए किसी चीज़ के लिए पैसे दिए थे, पदोन्नति के लिए जो भी करवाते हैं, और कुछ पैसे किसी चीज़ के ठेके वगैरह के लिए गए थे, जैसे कि स्टील अथॉरिटी वगैरह के ठेके मिलते हैं। बिजनेस क्लास आदमी तो लगा भाई किसी चीज़ का वो हो जाएगा, तो इस वजह से कुछ पैसे कैश में। इसे आपने लिखा है राज्य मंत्री का दर्जा दिलाने के लिए? राज्य मंत्री का नहीं, इसने आयोग के नाम के पैसे लिए थे कि भाई आयोग में या रेलवे बोर्ड में कुछ इस हिसाब से। ये तो आपको ऐसा लगता है कि भाजपा में पैसा चलता है? नहीं, पैसा तो नहीं चलता, लेकिन जब बता रही ना, जब बड़े लोग हैं तो हम भी प्रभाव में आ गए, बात तो प्रभाव में आने वाली बात है ना। भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारियों के संपर्क में आप हैं, उसके बावजूद आपने 25 लाख रुपए दे दिए, क्या आप ये मानते हैं कि भाजपा में पैसा नहीं? भाजपा में पैसा नहीं चलता, यही गलती तो हमसे होगी। मैंने आपको बोला ना कि मैं भी प्रभाव में आ गई बड़े लोगों को देख के। तो क्या बड़े लोग पैसा दे रहे हैं उनको? पैसे नहीं दे रहे, पैसे के प्रभाव में नहीं आई, उनको बात करते देख के प्रभाव में आ गए कि हाँ भाई कुछ काम है, आगे बढ़ने का सबको होता है, तो भाई हमें लगा कि थोड़ा सा ये कि जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, इस वजह से थोड़े पैसे गए। इस पूरे वाक्य का एक गंभीर व दिलचस्प पहलू यह भी है कि आरोपी इसी तरह के धंधों से करोड़ों रुपए में खेल चुका है। बकौल पूजा, ज्यादातर शिकार उसके भाजपा व संघ से जुड़े लोग ही हैं। पूजा के भाई 10 लाख व उनके कई करीबी लोग लाखों रुपए उसके जेब में डाल चुके हैं। इन शिकार होने वाली लोगों में बड़ी संख्या में वे महिलाएं भी शामिल हैं जो अति महत्वाकांक्षी हैं
और उच्च पदों पर जाने की फिराक में है। इस प्रकरण पर आगे भी बनी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल इसमें इतना ही। कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लिहाजा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जब तक जरूरी ना हो घर से न निकलें। कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित सरकारी गाइडलाइन का पालन करते रहें। मास्क अवश्य पहने वे हाथों को बराबर धोते रहें। घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।